हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज की जो ब्लॉगिंग है वो होने वाली है एक जर्नी दिल्ली से लेके बिजनौर। एक्चुअली क्या है कि हमारी बहन है नेहा, नेहा को लेने के लिए आज जा रहे हैं हम। मैं हूँ, यश है और हमारी आदु। आदु से हेलो गाइस। आदविका भी है। अभी हम हाईवे पे हैं, मॉर्निंग के निकले हुए हैं 7 बजे के, और रास्ते में ब्लॉगिंग करी नहीं। अब जहाँ टोल क्रॉस किया तो सोचा स्टार्ट करें एक बार। अब जर्नी में कराएंगे कंटिन्यू, ठीक है, बने रहिएगा। So, आधे रास्ते में है। ओनली 25 or 30 किलोमीटर्स रह गए और मौसम इतना बेहतरीन मौसम हो रहा है इस टाइम पे। मन कर रहा है कहीं पहाड़ों पे निकल जाओ, बट पहाड़ों का हाल तो बहुत बुरा हुआ पड़ा है। अभी रुके ज़रा चाय पीने के लिए, अगर चाय पी के फिर आगे चले। थोड़ा सा सिंगल ड्राइवर है ना, सिंगल ड्राइवर की हालत हो ही जाती है थोड़ी ख़राब। और मैं तो भैया चाय पिए बिना कुछ काम हो ही नहीं पाता। सोचा नहीं था इतना अच्छा मौसम मिलेगा। कंटिन्यू बारिश। आदू, आदू के पापा, आदू के ताऊ, और साथ में ओए होए होए गंगा नदी। वैसे गंगा बैराज है, यहाँ पे डैम है, वहाँ पे रुके अभी हम। और वेदर देखिए, कंटिन्यू बारिश, लगातार बारिश है यहाँ पे। इतना मज़ा आ रहा है, वाह। शिवी यार, आपको होना चाहिए था और भाभी आपको भी, बहुत अच्छा लगता। अभी एक पोर्ट्रेट लेते हैं। ये हमारे भाई मिले रास्ते के अंदर। कहाँ से भैया? बागपत। बागपत कहाँ से आ रहे हो? बिजनौर। बिजनौर से? हम भी बिजनौर ही जा रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, आगे रहने वाले भाई। दिल्ली? अच्छा, दिल्ली शाहदरा यार, बैराज में थोड़ा सा। अरे बड़ा बेहतरीन है तभी तो। मैं कब ब्लॉगिंग कर ले जरा। चैनल को भाई सब्सक्राइब करना। बाय। ब्लॉगिंग करते देखते हैं तो कोई ना कोई सीख भी जाता है, कि हमें भी वीडियो में लो ब्लॉगिंग के लिए, और अच्छा लगता है, थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ा आत्मविश्वास आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर, मजा आएगा। सो फाइनली पहुंच गए हम बहन के घर पे। अभी जय चाय नाश्ता कर रहे हैं, अंदर चलते हैं एक बार। चाय नाश्ता चल रहा है। यादव खुश हो गई अपने बुआ फूफा के पास आके। चाय नाश्ता चल रहा है। ये नेहा की मम्मी जी, यानी हमारी प्यारी सासू माँ जी, ये पापा जी हमारे। ये नाइट शिफ्ट करके आए इसलिए थोड़े से अभी डाउन है। नाइट शिफ्ट चलते हैं प्लांट में। कैसा लग रहा है आदू? नेहा को हमने सरप्राइज दिया, हमने बोला था कि आज नहीं आ रही आदू, इन्हें बाहर से देख लिया, हमारा सरप्राइज भी पॉपअप हो गया। चलो चाय नाश्ता कर रहे हैं, बाकी ब्लॉगिंग बाद में करेंगे। तो फाइनली हम निकल चुके हैं वापस घर के लिए, घर के लिए निकल चुके हैं। नेहा को ले लिया, इसी को लेने आए थे। रास्ते में देखते हैं, मौसम अब बढ़िया ही है, पहले जैसा मौसम ही है, पहले जैसे ही मौसम। रास्ते में बनाते हैं फिर से वीडियो। सो फाइनली नोएडा पहुंच चुके हैं। सोचा जल्दी आ गए थे तो सोचा चलो शिवी को और भाभी को पिकअप कर लें। तो शिवी के ऑफिस पर पहुँच चुके हैं, पहुंचने वाले 2 मिनट में, उनको पिकअप करके फिर जाएंगे घर पे। टाइसन भी बेचारा अकेला है, वैसे तो नेबर्स ने खाना दे दिया था सामने करण देते हैं, बट देखते हैं बेचारा भूखा हो रहा होगा, अकेला अकेला थोड़ा परेशान हो जाता है। वैसे नुकसान बहुत करने लग गया है। अब लेते हैं चला, आदू तो हमारी सो गई पीछे। शिवी के ऑफिस पहुँचने वाले हैं, उनसे पिकअप करते हैं और भाभी को पिकअप करते हैं, फिर जाते हैं घर पे।
शिवी को तो पिकअप कर लिया है, आज आप बहुत ज्यादा थकान हो गई, सिंगल ड्राइवर होना बहुत बड़ी गुनाह है, बहुत बड़ा यार, कोई तो सीख लो साथ में गाड़ी चलाना। पक्का सीख लूंगा, बस भाभी आने वाली है। क्या हुआ गुड्डो? बस यहाँ से भाभी को पिकअप करके घर निकल के चाय पी के बस थोड़ी सी नींद लूंगा। मतलब कैसे एम्प्लॉय बनोगे, 5 मिनट पहले नहीं निकल सकते? कोई बात नहीं, बोल दो, इमरजेंसी होती है, पूरा परिवार बाहर खड़ा है इंतजार कर रहा है। चलो मूव करते हैं घर के लिए। सो फाइनली घर पहुंच गए हैं, और घर पहुंच के हमेशा जो है सीन बहुत बिगड़ा हुआ मिलता था, मतलब टाइसन पूरा घर बिगाड़ के रखता था अपनी बालकनी को, पॉटी शॉटी पता नहीं क्या, अभी छोटा है ना, अभी ट्रेनिंग नहीं मिली, बट आज लड़के ने कमाल कर दिया, कुछ भी नहीं, हाँ पॉटी की थी बट लेकिन कोने में जाके आज कुछ बिगाड़ा नहीं। आज से एप्रिसिएशन में 2 मुट्ठी इसको ज़्यादा मिलेगा इसका खाना। और आदू की बुआ घर आई है, आदू के लिए गिफ्ट्स लेकर आई है, अभी आपको गिफ्ट शो करता हूँ। ये देखो जी, ये आदू के लिए गिफ्ट आए हैं, सिर्फ आदू के हैं, हम लोगों के भी हैं, सबके गिफ्ट हैं। शिवी हमारे लिए गिफ्ट आए हैं। अरे क्या करके पहले गिफ्ट देखते हैं, गिफ्ट खोल, क्या क्या है? पब्लिकली खोले या नहीं खोले? पब्लिकली नहीं खोले, चलो हम गिफ्ट चेक कर रहे हैं अपने। ये लो जी, पहले चाय लवर्स के लिए चाय, और ये मग लेकर आइए नेहा, भाई भैया भाभी और भैया, ठीक है, तो भैया कब से बोलने लग गई। और ये आए है यश के लिए और भाभी के लिए, इस बार ये राखी के लिए लेकर आई है, तो हम कलावे के नीचे यही लटकाएंगे इस बार राखी के, राखी में। ये क्या कर रही है आज? आदू सिर्फ और सिर्फ टॉफी खा रही है बस। सो आज बहुत थक गए हैं, वो अब कल शो कर दूंगा ना। आज हम व्लॉग को यहीं एंड करते हैं बस, अब तो बस खाना पीना और फिर सोना, कल मिलते हैं, बाय।